लोरमी में महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। नवागांव वेंकट की लगभग 40 से 50 महिलाओं ने जनपद पंचायत की उपाध्यक्ष खुशबू वैष्णव के नेतृत्व में लोरमी थाना पहुंची, जहां महिलाओं ने अवैध रूप से शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ में शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी ने महिलाओं को सभी अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपियों के खिलाफ में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अभी दोपहर को पता चला कि नवागांव वेंकट में लगातार अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। लगातार 4-5 गांव के ही नागरिक हैं जो शराब बेच रहे हैं, और इससे गांव का माहौल पूरा ख़राब हो रहा है। जो हमारे बच्चे हैं, जिसे हम भारत का भविष्य कहते हैं, वो बच्चों का भविष्य संकट में आ गया है। और इसके कारण यहाँ की जो महिलाएँ हैं, आप देख सकते हैं मेरे साथ में खड़ी हैं यहाँ से लगभग 30 से 35 महिलाएँ, और ये जो महिलाएँ हैं एक नई आवाज़ उठा रही हैं कि हम अपने गाँव को शराब मुक्त, नशा मुक्त केंद्र बनाकर रहेंगे। हमें नशा मुक्ति चाहिए हर स्थिति में। तो इसके लिए थाने आई हैं आज सभी महिला, और आवेदन हम लोगों ने दिया है, ज्ञापन दिया है हम लोगों ने कि हमारे गांव को आप, नवागांव वेंकट को आप नशा मुक्त करिए। और ये समस्या हमारे पूरे लोरमी क्षेत्र की है, और पूरे लोरमी क्षेत्र को हम नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम आएखा लेके आए भैया के, हम नवागांव वेंकट मना दारू बिक थे, तो हम एक महीना हो गए, हम अपन महिला बना संगठन बनाए हन कि हमारे गाँव में दारू मत बिकाए। ऐसे गई के तो हमारे गाँव वाले मन थोड़ा दिन मानी नहीं, ओकर बाद फिर चालू कर दिन कि हम दारू बेचबो, हमार का करिए, ऐसे कहत है। तो हम तो नहीं कर सके हन, महिला अनता लड़का मन के का कर सकत हन। तो हम आए हमन थाना कि हम थाना में समस्या हल करबो कहीं के आए हन।